हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पहले के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज तक पढ़े थे, अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ओके, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक करंट का हमने डेफिनेशन लिखा है, लेकिन ये डेफिनेशन पढ़ने के पहले आप ये समझो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें ये समझ लें। देखो, इस करंट वर्ड के साथ इलेक्ट्रिक वर्ड आया हुआ है, तो करंट का ऐसा नहीं है कि करंट का संबंध जो है केवल फिजिक्स के टॉपिक से है या फिजिक्स के सब्जेक्ट से है। करंट का सेंस है, करंट का सेंस होता है, करंट का सेंस है कंटिन्यूअस फ्लो। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर कंटिन्यूअस फ्लो हो, अगर वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट हो जाएगा, एयर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है तो एयर करंट हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो हम उसका वो करंट बोलेंगे। ठीक है, कहीं अगर हम देख रहे हैं कि एक लाइन से अगर आदमी जा रहे हैं तो ह्यूमन करंट बोल सकते हैं। तो करंट का तो सेंस बस इतना ही है कि किसी भी चीज़ का कंटिन्यूअस फ्लो होना करंट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ कौन सा करंट हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी चीज़ के कंटिन्यूअस फ्लो को किसी भी चीज़ के कंटिन्यूअस फ्लो को करंट बोलते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट में किसका फ्लो होगा कंटिन्यूअस, तो इलेक्ट्रिक करंट में जो कंटिन्यूअस फ्लो होगा वो किसका होगा, वो होगा चार्ज का। ओके, तो यहाँ डेफिनेशन भी देखो ऐसे ही लिखा है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड मोशन। ऑर्डर मोशन मतलब जो मोशन क्रम से हो रहा हो, एक सीक्वेंस में हो रहा हो, कंटिन्यूअस हो रहा हो। एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कंटिन्यूअस मोशन को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी, ये सेकेंड डेफिनेशन मैंने कौन सा लिखा है। ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहे हैं तो वहां जो हम शब्द इस्तेमाल करेंगे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, चार्ज का फ्लो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे कोई वायर है, इस वायर में चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो हो तो वायर में क्या कंटिन्यूअस फ्लो होगा, चार्ज तो फ्लो होते नहीं, चार्ज किसके साथ फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लो होंगे। चार्ज को कैरी करने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्लो होते हैं, लेकिन यहाँ डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि चार्ज के कंटिन्यूअस फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक, ये दूसरा डेफिनेशन किस लिए है, इस दूसरे डेफिनेशन से के द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब आएगा लिखने के लिए इलेक्ट्रिक करंट के विषय में, तो आप दोनों लिख सकते हो, पहले इसको एक लाइन में लिख सकते हो फिर इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये और अच्छा रहेगा। तो ये डेफिनेशन किस लिए है, तो ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट के क्वांटिटी को बताने के लिए है। इलेक्ट्रिक करंट के क्वांटिटी का मतलब कितना करंट बना, चाहे कितना करंट फ्लो हुआ, उसको बताने के लिए डेफिनेशन है। तो ये क्या लिखा गया है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब हम कैसे जानेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो हम पढ़ चुके कि चार्ज का कंटिन्यूअस मोशन होगा तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, लेकिन कितना करंट बना या कितना करंट फ्लो हुआ वायर में वो कैसे निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि दिए गए समय में, किसी दिए गए समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। मतलब जो चार्ज का फ्लो होगा उसको समय के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये हुआ कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन तो है, लेकिन कौन सा डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। मतलब इस डेफिनेशन के द्वारा हमको इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट पता चलेगा। इस डेफिनेशन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का क्या पता चलेगा, अमाउंट, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, वो इस डेफिनेशन से पता चलता है। या जैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं और हमको पता करना है कि सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है करंट, तो फिर इस डेफिनेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस डेफिनेशन के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो दिए गए समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उतनी वैल्यू
किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की, मतलब जो जितना चार्ज फ्लो होगा उसमें हम जितने टाइम में फ्लो हुआ रहेगा उसका डिवीजन कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन लिखा गया है। ठीक, नाउ सी, एक चीज जो अगर नाइन्थ टेंथ में हालांकि ये समझा दिया जाता है, जो नहीं समझा है उसके लिए है, और जो समझ गए अच्छी बात है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो ऊपर ये क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, और नीचे क्या है, तो ये भी डेफिनेशन ही है, ठीक है ना, ये भी डेफिनेशन ही है, लेकिन इस डेफिनेशन का ये मैथमेटिकल फॉर्म है, सिंबल के रूप में यहाँ इंडिकेट कर दिया गया है, मतलब इस वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। किसी लड़के को ये ऊपर वाली लाइन याद है तो वो ये फार्मूला लिख लेगा, और अगर ये फार्मूला याद है तो वो ऊपर वाली लाइन लिख लेगा। आपको क्लास टेंथ के इक्वेशन के चैप्टर में भी बताया जाता है कैसे स्टेटमेंट को हम लोग सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हमको पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ से हम कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, हम I के जगह पे लिख लेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इक्वल के जगह पे लिख लेंगे इज डिफाइंड एज, और ये जो बीच में ये लाइन है ना, ये डिवीजन वाली लाइन, इस डिवीजन वाली लाइन के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेशियो शब्द इस्तेमाल करते हैं, और रेशियो शब्द से ही रेट वर्ड आया हुआ है। तो अगर हमको ये पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जैसे दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए, एक तरीका बता रहा हूं याद करने का, ये डेफिनेशन अगर पता है तो फार्मूला लिख सकते हो, फार्मूला पता है तो डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, मान लो हमको फार्मूला पता है तो I के जगह पे क्या भर लेंगे, I के जगह पे भर लेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ओके इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद इक्वल के जगह पे क्या लिखेंगे, कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज, फिर किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे हैं, क्यू और टी के बीच रेशियो निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज, किसका रेट निकाल रहे हैं, किसका रेट निकाल रहे हैं, चार्ज का, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट, ओके रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। अभी मैं आपको सर्किट का डेफिनेशन बता रहा हूं, अगर सर्किट नहीं पढ़े हैं अभी तक तो हम लोग वायर भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ वायर, तो इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट निकाल सकते हैं। जैसे फिजिक्स में एक पढ़ने का ये ट्रेंड है कि पहले हम उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसी डेफिनेशन को हम लोग सिंबल के रूप में जब लिखते हैं तो वो उसका फार्मूला बन जाता है, और फिर उसी फार्मूले से हम यूनिट वेट निकाल लेते हैं। ये हर जगह होगा, जहाँ कहीं भी इस तरह से हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे नाइन्थ में फोर्स का टॉपिक पढ़े या ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़े, कोई भी टॉपिक, या वर्क का टॉपिक पढ़े, पावर का टॉपिक पढ़े, यहाँ भी अभी हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर यहाँ भी हीट एनर्जी पावर पढ़ेंगे, तो हर जगह यही तरीका, पहले उसका डेफिनेशन लिख लिए, फिर उसी डेफिनेशन को सिंबल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका फार्मूला बन जाएगा, फिर उसी फार्मूले से हम यूनिट वेट निकाल लेते हैं। तो यही तरीका है यहाँ फिजिक्स में ये चीज़ें पढ़ने के लिए कि कैसे हम डेफिनेशन से फार्मूला बनाएं, फिर फार्मूले से यूनिट कैसे निकालें। तो यहाँ हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे हमने पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक, अब कैसे इसका यूनिट फाइंड करेंगे, तो क्यू क्या है, चार्ज, क्यू की यूनिट आप जानते हैं कूलम्ब होता है। ठीक, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब पर सेकेंड, तो एक यूनिट ये हो गई कूलम्ब पर सेकेंड। लेकिन इसके विषय में, इलेक्ट्रिक करंट के विषय में एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था, इसलिए उनके सम्मान में, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम कूलम्ब यूनिट यूज करते हैं, जैसे हम फोर्स के लिए न्यूटन यूनिट यूज करते हैं, वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग यूनिट यूज करेंगे स्पेशल एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूनिट इंडिकेट करेंगे, क्वेश्चन में कूलम्ब पर सेकंड करके भी दे सकता है, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है, यही एम्पियर ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर हो गई। नाउ सी, अब अगर इसमें आप टाइम को इस फार्मूले में आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी में यदि आप टाइम को 1 सेकेंड ले लें, ठीक है, इसको भी सीखना है, ये जो बताया जा रहा है, टाइम को 1 सेकेंड ले लिया जाए, तो जब यहाँ 1 पुट करोगे ना तो 1 का डिवीजन होता है तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं,
यहां से एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनाएंगे? तो आई के जगह पे क्या लिखोगे? आई के जगह पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फिर ये क्या इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, टू व्हाट इक्वल, किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक चार्ज के। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, ये सब चीजें रटना नहीं चाहिए, है ना? नोट बनाना हो तो हम बना सकते हैं, लेकिन ये रटने वाली चीज नहीं है। शुरू का बस एक डेफिनेशन हमको जानना है कि जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है चार्ज का, वही करंट कहलाता है। अब वो कंटिन्यूअस फ्लो कहाँ होगा? किसी वायर में होगा, किसी सर्किट में होगा, ठीक है? अब उसके बाद जो हमने I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा है, तो वो ये फार्मूला किस लिए है? करंट को मेजर करने के लिए। टाइम के अकॉर्डिंग जितना चार्ज फ्लो होता है वो करंट की वैल्यू बन जाती है, ठीक है? तो उसके बाद जो है ये फार्मूला हम सिंबलाइज करके लिख लेते हैं। फिर बाकी जो कुछ यहाँ किया जा रहा है वो सब इसी फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। जैसे हमने यूनिट निकाला कूलाम पर सेकेंड, वो इस फार्मूले के आधार पर निकाला है। एम्पियर क्यों लिख दिए? तो ये साइंटिस्ट के नाम पे एम्पियर यूनिट पड़ गया, ये SI यूनिट है ये, ठीक है? फिर हम यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर टाइम को वन सेकेंड लेंगे तो आई किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हम कैसे एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, देख के लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों आई क्यू के इक्वल हो गया जब हम टाइम क्या लिए? वन सेकेंड लिए। तो यहाँ वो चीज फिर उसको यहाँ मेंशन कर देना है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड आप सीधे सीधे लिख सकते हो, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नाउ सी इसके बाद, अच्छा इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि यदि एक सेकेंड तक जितना चार्ज फ्लो होगा, एक सेकेंड तक जितना चार्ज फ्लो होगा ना, उसी के बराबर इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या है? Q बाई टी है, ठीक है? तो अगर Q की वैल्यू हम कितना ले लेते हैं? 10 कूलाम, और टाइम कितना लेते हैं? एक सेकेंड। तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे I इज इक्वल टू 10 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10 एम्पियर आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 एम्पियर होगी। ओके, तो अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि अगर टाइम को हम एक सेकेंड बना देते हैं, मतलब पर सेकेंड का टाइम लेते हैं, तो उस समय जितना चार्ज फ्लो होगा ना, उसी के बराबर इलेक्ट्रिक करंट भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर का सेंस क्या है? अब थोड़ा बहुत जैसे अगर फिजिक्स की समझ नहीं, जैसे 9th में जब फिजिक्स पढ़ाना शुरू होता है तो उस समय थोड़ा बहुत यूनिट और मेजरमेंट पढ़ाया जाता है। तो जैसे मान लो हम पढ़ते हैं ना 1 मीटर, जैसे अगर हम किसी से कहें कि 1 मीटर क्या होता है या मीटर क्या होता है, जैसे किसी को समझाना हो कि मीटर क्या है, किसी को समझाना हो जैसे मीटर क्या है, पहले तो लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ का यूनिट है तो मीटर कितना होता है, मतलब किस वैल्यू को हम मीटर समझें। जैसे हम कहीं बाजार वजार में जाते हैं तो जैसे रेट वोट पता करते हैं, तो रेट हमेशा किसका पता करते हैं? 1 का। जैसे अगर 1 kg पोटैटो है तो उसका कितना कीमत होगा, या खुद 1 kg किसके बराबर होगा, मतलब कितना ले कि 1 kg हो जाए। तो ये चीजें साइंस में बेसिकली डिफाइन किया गया है। आप 11th में भी पढ़ोगे, जब आपको यूनिट पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट पढ़ाए जाएंगे, और वहां मीटर केजी सबका डेफिनेशन समझाया जाएगा। तो यहां जो है 1 मीटर क्या है, किसको 1 मीटर मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो स्केल होता है मीटर वाला ना, वो ला के दिखाएंगे अगर, और किसी को बताएंगे कि देखो भाई ये जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक लेंथ है, इसको 1 मीटर बोला जाता है, ठीक है? यहां से यहां तक का जो लेंथ है 1 मीटर बोला, तो इस तरह से हम समझाएंगे तो समझ जाएगा 1 मीटर किसकी वैल्यू है। ऐसे हम जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो यहां फिर यह समझना जरूरी हो जाता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। और एक चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबको जानना चाहिए, जब हम कोई नई चीज पढ़ते हैं ना, तो जो कुछ हम पहले से पढ़े होते हैं उसके आधार पे उसको समझाते हैं। जैसे आई के पहले हमने क्या पढ़ा है, या आई को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो किसका हेल्प ले रहे हैं?
इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर रहे हैं तो किसका हेल्प ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो चार्ज का हेल्प ले रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि दिए गए समय में जितना चार्ज फ्लो होता है उन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो एक एम्पियर कितना होता है इसको हम चार्ज और टाइम के सेंस में समझेंगे। तो जैसे देखो फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। ये भी फिजिक्स में ये ट्रेंड है, एक तरह से समझो ये तरीका है, फिजिक्स का ट्रेंड नहीं है, ये मैथमेटिकल तरीका है। अब हमको एक एम्पियर चाहिए, तो एक एम्पियर कैसे मिलेगा? हम Q के जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 1 कूलाम पुट कर लेंगे, Q के जगह पे 1 कूलाम पुट कर लेंगे, ठीक। और टाइम के जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 1 सेकेंड पुट कर लेंगे। तो जो I की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 1 कूलाम पर सेकेंड, माने इसी को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब यहां हम समझेंगे कि 1 एम्पियर क्या है। तो 1 एम्पियर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि यदि किसी कंडक्टर में, कंडक्टर में आपको कंडक्टर पढ़ाया जा चुका है पिछले वीडियो में, यदि किसी कंडक्टर में मतलब किसी वायर में जहां करंट फ्लो हो सके, यदि किसी वायर में 1 सेकेंड में 1 कूलाम्ब का चार्ज फ्लो हो जाए, 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम्ब का चार्ज फ्लो हो, तो हम बोलेंगे कि जो उसमें करंट की वैल्यू है वो 1 एम्पियर है, ठीक है। जैसे मान लो कोई वायर है और इस वायर में 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो हो, कितना चार्ज फ्लो हो 1 कूलाम्ब, तो हम बोलेंगे इस वायर में जो करंट की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम्ब का चार्ज। अच्छा देखो एक बात और देखो ध्यान से, अब तुम कहोगे ये कूलाम्ब सेकेंड क्या है, तो टाइम तो तुम समझ ही रहे हो, 1 सेकेंड कितना टाइम होता है तुम जानते हो, 1 सेकेंड का तुम अंदाज लगा लोगे, गेस कर लोगे, 1 घंटे का अंदाज लगा लोगे, ये भी कर सकते हो, मिनट का अंदाज लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम उससे फैमिलियर हो, तो 1 सेकेंड का अंदाजा तुम लगा सकते हो। बचा 1 कूलाम्ब, तो 1 कूलाम्ब जब चार्ज का टॉपिक पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया होगा कि 1 कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे ये स्टेप्स हैं, जैसे करंट समझना है, जैसे करंट कितना होगा, तो करंट कितना होगा ये जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा चार्ज कितना है, और चार्ज कितना है ये जानने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम किसका अंदाजा लगाएंगे, चार्ज का अंदाजा लगाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ध्यान देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसका अंदाजा लगाएंगे, चार्ज का अंदाजा लगाएंगे, और चार्ज से किसका अंदाजा लगाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट का अंदाजा लगाएंगे। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो 1 एम्पियर करंट होता है वो 1 सेकेंड में 1 कूलाम्ब के चार्ज का फ्लो होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये इतना जो है इलेक्ट्रिक करंट के विषय में है। मैंने इलेक्ट्रिक करंट का आपको डेफिनेशन बता दिया, पहले तो मैंने ये बताया कि करंट मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट उस इलेक्ट्रिक शब्द करंट के साथ जोड़ लेंगे तो कंटिन्यूअस फ्लो किसका हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा। ये चार्ज किस में फ्लो होंगे, किसी वायर में फ्लो होंगे, किसी सर्किट में फ्लो होंगे। फिर हमने बताया कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी कहां से आ गया, तो ये डेफिनेशन या फार्मूला, मैं इसको डेफिनेशन भी बोल रहा हूं, इसको फार्मूला भी बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों है, इसी को हम शब्द में चेंज कर देंगे तो डेफिनेशन बन जाएगा। तो ये जो फार्मूला मिला है, ये जो डेफिनेशन मिला है, ये इस वजह से है कि इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकें। जब इलेक्ट्रिक करंट को इस फार्मूले से हम मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, हम जितना चार्ज फ्लो होगा उसमें टाइम का डिवीजन करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा, फिर इसी के हेल्प से हम यूनिट निकाल सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड, या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ठीक है इसका यूनिट एम्पियर तो है, तो 1 एम्पियर कितना होता है, जैसे एग्जाम में ये डेफिनेशन आता है डिफाइन करने के लिए, डिफाइन 1 एम्पियर, तो कैसे डिफाइन करोगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम 1 कूलाम्ब 1 सेकेंड ले लो और यहीं से खुद लैंग्वेज बना लो। क्या लैंग्वेज बनाओगे, इफ इन एनी कंडक्टर और इफ इन एनी वायर 1 कूलाम्ब चार्ज विल फ्लो इन 1 सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर। ओके स्टूडेंट।